नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अब आपको पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, ये एक खुशखबरी है कि अब सभी को पेंशन मिलेगी, चाहे वो कोई भी है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि सरकारी नौकरियों में पहले पेंशन मिला करती थी, लेकिन वो अब बंद कर दी गई है। लेकिन आपने अटल पेंशन योजना के बारे में सुना ही होगा और उसके बारे में कई बातें भी आपको पता होंगी, लेकिन उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। तो बस इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से पेंशन पा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप ठीक ठीक समझ में आपको आ जाए। दोस्तों बिल्कुल मामूली सा इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, एकदम मामूली सा इन्वेस्ट करेंगे आप और 60 साल की उम्र के बाद जो पेंशन सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी और आप सोचते थे कि काश आपको भी वो पेंशन मिले, तो उसी के मद्देनज़र ये पेंशन आपको मिला करेगी 60 साल के बाद। और वो पेंशन कितनी होगी, वो 1000 से 5000 तक हो सकती है। और वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए ये एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इस योजना की। दोस्तों बहुत ही अच्छी योजना है ये, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मुझे भी लगता था कि ये ऐसी होगी, लेकिन ये बहुत ही काम की योजना है और इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही मामूली सा इसके अंदर खर्चा है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे। तो देखिए ये एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इस एप्लीकेशन में देखिए चार पॉइंट आपको दिए हुए हैं। इन्हीं चारों पॉइंटों के ऊपर आप समझ जाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर बारीकियां हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है इस पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहला ऑप्शन जो था इसका ओपन कर दिया आपको बताने के लिए। अब इसके अंदर जो भी इसकी बारीकियां हैं, डिटेल हैं, वो इसमें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप देखिए पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर आप सारी चीज़ें पता चल जाएगी और आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 42 से जो 210 आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि 18 साल अगर आपकी उम्र है या 40 साल उम्र है, 18 से 40 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप इस योजना के अंदर अपना आवेदन दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने सिर्फ 42 रुपये जमा करने हैं, सिर्फ 42 रुपये। जी हाँ, बहुत ही मामूली सी रकम है। उसी हिसाब से अगर आपकी 19 साल उम्र हो जाती है, 20 साल हो जाती है, तो वैसे ही आपको इसमें 2-4 रुपये बढ़ते चले जाते हैं। और मान लीजिए आपकी उम्र अगर 40 साल है तो आपको यहाँ पर 210 रुपये हर महीने जमा करने हैं। तो दोस्तों बहुत ही मामूली सा इन्वेस्ट आपको इसमें करना है। और चलिए हम आपको और भी डिटेल में यहाँ बताएंगे। अब देखिए पहले ऑप्शन पे आपको दिख रहा है अटल पेंशन क्या है, तो चलिए यहीं पे आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि पेंशन क्यों, ये मतलब ये योजना लागू की गई। तो दोस्तों लागू करने का इसका उद्देश्य यही था, क्योंकि सबसे पहले क्या होता था, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही पेंशन दी जाती थी या बहुत सी लिमिटेड कंपनियां भी पेंशन बांध लेती थी या जो LIC वगैरह करवा लेते थे उन्हें पेंशन मिलती थी। तो यहाँ पर गरीब और मजदूर जो तमगा है उनको भी पेंशन देने के लिए इस योजना का जो थे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो अब बाकी इसके अंदर आप इसको आराम से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें यहाँ समझा दी गई हैं। तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, मैं आपको इसकी जो आपको एक डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए वो आप यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि कौन नहीं खुलवा सकता। तो इसके अंदर कौन नहीं खुलवा सकता, जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो लोग ये नहीं खुलवा सकते। यानी कि 18 से 40 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। और कैसे खुलवाएं इसके अंदर अपनी योजना में खाता, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसको पढ़िएगा, धीरे धीरे आप पढ़िएगा, इसको समझ के पढ़िएगा। इसमें आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर हिंदी सेट किया हुआ है आपको बताने के लिए, आप इसकी लैंग्वेज इंग्लिश भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कैसे खुलवाएं। तो आपके जो भी नज़दीकी बैंक हैं आप उस बैंक के अंदर जाइए, इस योजना के बारे में उनको बताइए कि आप पेंशन योजना के अंदर अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, तो वो आपका यहाँ पर आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आप भर दीजिए और आपका खाता जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, और उसमें कितनी राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको कितने राशि हर महीने जमा करनी पड़ेगी, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है अटल पेंशन योजना मासिक प्रीमियम। अब देखिए आप यहाँ पर ये एक चार्ट है जो कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको कितना रुपये हर महीने जमा करना है और कितनी पेंशन आपको मिलेगी, उस हिसाब से बनाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 1000 रुपये। अगर आपको 1000 रुपये पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेंशन क्या होती है 60 साल के बाद ही मिलती है। तो अगर आपको 60 साल के बाद 1000 रुपये पेंशन चाहिए और मान लीजिए आज आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 42 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 42 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे और वो तो अपने आप ही बैंक से कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 42 रुपये बहुत ही मामूली सी इनकम रुपये होते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए आपकी उम्र अगर 20 साल है तो आपको हर महीने 40 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल है
तो आपको हर महीने 35 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसी तरह से 75 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और इसी तरह से अगर आपकी उम्र 40 है तो आपको हर महीने 291 रुपये यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, आपको हर महीने 1000 रुपये की जो पेंशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं 2000, अगर आपको हर महीने 2000 की पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, आप चाहते हैं कि आपको हर महीने 2000 रुपये मिला करें, तो अब मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 84 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर उम्र आपकी 25 साल है तो हर महीने आपको 151 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर आपकी उम्र 40 है, इस वक्त अगर आपकी उम्र 40 है तो आपको हर महीने 582 जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से अगर आपको 3000 करने हैं, चाहिए 3000, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप अपने रेट देख लीजिए। अगर आपको 4000 रुपये हर महीने चाहिए तो उसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और आपको अगर 5000 चाहिए तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ ये गलती से यहाँ 3000 लिख दिया गया है, लेकिन ये 5000 की स्कीम है। अगर आपको हर महीने 5000 की पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, तो आपको इसके अंदर देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको यहाँ हर महीने 210 रुपये जमा करने हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल है आज की डेट में, तो आपको हर महीने 902 रुपये जमा करने हैं। उसी तरह से अगर आपकी उम्र 40 है तो आपको 1400 रुपये हर महीने जमा करने हैं। तो आपको 60 साल के बाद आपको पूरा 5000 रुपये महीना जो पेंशन है वो आपको मिला करेगी। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि जिसने भी इस पेंशन को लिया हुआ है और उस पेंशन मान लीजिए पेंशन लेने का जो पेंशन वाला है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वाइफ या उनके हस्बैंड को उसके पूरे पैसे दे दिए जाएंगे जो भी उसके अकाउंट में जमा हो चुके होंगे, प्लस 60 साल के बाद उनको पेंशन भी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ये पेंशन स्कीम ली है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो पूरा पैसा जमा होगा वो सारा जमा पैसा तो मिलेगा ही उनकी वाइफ को या हस्बैंड को, उसके साथ साथ पूरी पेंशन जो है, जो भी आपकी पेंशन की स्कीम आपने ले रखी होगी, वो पेंशन जो है उनको मिलती रहेगी 60 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी ये योजना है। और मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ने लिया हुआ है और उनके अगर उनका निधन हो जाता है, तो भी ये अगर 60 साल के बाद जो भी आपका पैसा इसके अंदर जमा होगा, मान लीजिए उनका निधन हो जाता है, तो उनके जो भी नॉमिनी होंगे इसका पैसा उनको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ हाउ टू अप्लाई ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके पता कर सकते हैं। कुल मिला के सिर्फ ये 4 पॉइंट हैं इसके अंदर मेन, और वो 4 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों हमें योजनाओं के बारे में पता चलता रहता है कि इतनी सारी योजना निकल गई हैं, लेकिन उनकी सारी डिटेल या जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। तो भाई इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेके आया ढूंढकर, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए आपके पास एक खाता होना चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, आपकी उम्र 18 साल तो होनी चाहिए लेकिन 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक मोबाइल नंबर आपका एक ज़रूर होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ पर इसमें बता दिया गया है। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर सारी जो भी ज़रूरी जानकारी है वो यहाँ पर आपको बता दी गई है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको कुछ दिक्कतें होती भी हैं तो देखिए ये नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, कोई टोल फ्री नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, सरकारी हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। या किसी भी तरह के आप अगर इनको मेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनको मेल भी कर सकते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच बीच में ये मेरे ऊपर मैसेज आ रहे हैं तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको ये इस योजना के अंदर खाता ज़रूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि देखिए आगे का टाइम बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगाई आने वाली है। तो अगर आप सुखी जीवन आगे भी बिताना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के अंदर अपना खाता खुलवाइए। बहुत ही मामूली से इसके अंदर प्लान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 रुपये से लेके और 150-200 रुपये मैक्सिमम, बस इतना ही आपको हर महीने जमा करना है। और आपको 60 साल की उम्र के बाद आपको 5000 रुपये तक की पेंशन आपको हर महीने मिला करेगी। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।